नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? ईएमआरएस एनवीएस की तरफ से टीजीटी की वैकेंसीज बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है। आप ऐसे बोल सकते हो कि आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये टीजीटी का एग्जाम है। टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कोई ऐसा वनडे एग्जाम नहीं होता जिसे आप 2 महीने 3 महीने में उसका सिलेबस कवर करके और आप सिलेक्शन ले लो। तो एक ऐसा एग्जाम जो वाकई में बहुत बेहतरीन नौकरी होती है, एक बहुत रेपुटेटिव नौकरी होती है और बहुत अच्छी सैलरी वाली नौकरी होती है, जिसे हम लोग टीजीटी और पीजीटी के नाम से जानते हैं। ये वैकेंसीज ईएमआरएस और एनवीएस की तरफ से इस जुलाई में आ रही है और इस बार बहुत बेहतरीन पद आप सभी के लिए आ रहे हैं। इन परीक्षा प्लस हमेशा की तरह आपके लिए बहुत बेहतरीन तैयारी, इस बार भी आपका ईएमआरएस और एनवीएस के टीजीटी की करा रहा है और ये आप परीक्षा प्लस ऐप से कर सकते हो। इस पूरे वीडियो में हम लोग टीजीटी मैथ्स के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझेंगे, जीरो से लेके, मतलब कि आप बोल सकते हो कि आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, आपको बिल्कुल स्टार्ट करना है, स्टार्ट से लेके और किस प्रकार हम लोग सिलेक्शन ले, तो हम लोग सिलेक्शन तक सारी चीजें इस सेशन में समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए लाइक अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि आखिर आपको तैयारी कैसे करनी है, ये हमारे टीजीटी की वैकेंसी आ कब रही है। टीजीटी मैथ्स की बात किया जाए तो टीजीटी मैथ्स में जाकर सिलेबस और पैटर्न इस बार क्या रहने वाला है, कितनी वैकेंसीज है, कट ऑफ क्या इससे पहले रहा है, इस बार कट ऑफ आपका क्या रहेगा और तमाम सारी जानकारी की आप किस प्रकार के नोट्स, किस प्रकार की किताबें आपको यहाँ पे होनी चाहिए। तैयारी आप कोचिंग के माध्यम से कर सकते हो या फिर सेल्फ स्टडी ही सफिशिएंट रहेगा। प्रैक्टिस कहाँ से करना है या फिर आपकी किताबें कौन सी हो सकती है और परीक्षा प्लस की जो किताब है वो आपके लिए कितनी मदद कर सकती है, ये सारी बातें हम लोग समझने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईएमआरएस की जो वैकेंसीज है, भाई साहब ये वैकेंसीज आपका देखो पूरा कैलेंडर उन्होंने जारी कर दिया है और ईएमआरएस ये तो एनबीएस का है, एनबीएस का 15 जुलाई को वैकेंसी नोटिफिकेशन लॉन्चिंग हो जाएगा। ये किसका है? ये एनबीएस का। और ईएमआरएस का फेज टू की भी वैकेंसी, ईएमआरएस में बहुत ज्यादा संख्या में पद आ रहे हैं तो ईएमआरएस की फेज टू की भी वैकेंसी आपके सामने आने वाली है और आप लोग इसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। इसके पेपर में ज्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो पेपर होगा वो कब हो जाएगा, 30 सितंबर के हो जाएगा, यानी कि अभी से देखा जाए तो आपके पास जून है, जुलाई है, अगस्त है और पूरा सितंबर ले लिया जाए तो 4 ही महीने हैं। 4 महीने में मई में जितना दिन आपका है समझ लीजिए बस इतना ही, तो कुल मिला के 120 से 130 दिन के बीच में आपके पास समय है और ये समय कोई बहुत ज्यादा नहीं होता अगर आप एक फ्रेशर हैं। नो डाउट अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो आपको एक सही दिशा मिल जाए, एक सही तरीका मिल जाए तो आप सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन इससे पहले नहीं है तो आपको एक अभी शुरुआत कर देनी चाहिए और बहुत बेहतरीन शुरुआत कर देनी चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें आपके आखिर किस प्रकार से कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, क्या होगा। ये आपका एनवीएस का है, ये पिछली बार जो वैकेंसीज हैं अगर आप देखो तो मैथ्स में बात कर रहा हूं, ये पूरी वीडियो मैथ्स पे पूरी बोल सकते हो कि मैथ्स पे फोकस्ड है। तो 167 वैकेंसी आपकी मैथ में थी जिसमें एनवीएस की तरफ से, और अगर ईएमआरएस की तरफ से देखें तो ईएमआरएस की तरफ से अगर हम लोग टोटल वैकेंसी की बात करें तो 686 वैकेंसी थी। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इन दोनों को आप अलग मत समझो, चाहे एनवीएस हो चाहे ईएमआरएस हो, दोनों का सेम सिलेबस, सेम पैटर्न, सब कुछ एज इट इज है, केवल थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग होता है, वो भी 10-12 और हो सकता है इस बार आपके वो दोनों ही क्या हो, दोनों ही आपके पैटर्न भी सेम हो। इस कारण से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, दोनों सेम टाइम पे नोटिफिकेशन आएंगे, लगभग सेम टाइम पे पेपर होगा और इसलिए आप इसे अलग अलग मत जोड़ो। अगर ये वैकेंसी पिछली बार जोड़ा जाए तो लगभग आपके ये 900 वैकेंसी के आसपास, केवल टीजीटी मैथ्स में लगभग 900,000 वैकेंसी कम नहीं होती और ऐसे तो अन्य भी सब्जेक्ट होते हैं और इसके अतिरिक्त आपके सेम सिलेबस सेम पैटर्न पे केवीएस आने वाला है और DSSB का एग्जाम लगा हुआ है। तो अगर आप एक तैयारी करते हो, 4 जगह पे आप एग्जाम देते हो तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन का चांसेस बढ़ भी जाता है और इस बार भी आपके लगभग 900 प्लस पद दोनों मिला के आने वाले हैं, इस बात को ध्यान देना। सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि ईएमआरएस टीजीटी मैथ्स की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बच्चे आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपकी सैलरी है जो टीजीटी मैथ्स वाले होंगे। अगर आप मैथ्स का देखो तो आपको ईएमआरएस की तरफ से लेवल 7 और ऐसे ही आपका किसपे एनवीएस की तरफ से भी लेवल 7, मतलब 44,900 से आपकी सैलरी रहेगी। और कौन एलिजिबल है, अगर आप क्या हो, अगर आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर मैं केवल मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री क्या होना चाहिए, मैथ्स में होनी चाहिए, मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स हो और
मैथ्स फिजिक्स तो, इसके अलावा आपका केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस और स्टेटिस्टिक, इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट हो, मतलब मैथ और फिजिक्स के साथ साथ इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, तीनों साले सब्जेक्ट है तो आप जनरल जनरल आपका जो बीएससी होता है बैचलर डिग्री, आप क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो तीनों साल के तीनों साल सेम कोर्स लेके नहीं चलती है, अंतिम साल में केवल दो कोर्स लेके चलती है, तो आपके अंतिम साल में मैथ और फिजिक्स का होना जरूरी है, मतलब कि तीनों साल मैथ और फिजिक्स होना जरूरी है, भले ही अंतिम साल में और कोई सब्जेक्ट हो या ना हो। तो आगे ये उन यूनिवर्सिटीज के लिए जहां पे केवल लास्ट में दो सब्जेक्ट होते हैं। और तीसरा आपका है, अगर आप क्या हो, अगर ऑनर्स डिग्री है तो ऑनर्स डिग्री केवल मैथ्स में चलेगी, इस बात को ध्यान देना, ऑनर्स फिजिक्स का, ऑनर्स केमिस्ट्री का नहीं चलेगा। तो मैथ्स आपका होना चाहिए, तो मतलब आपका ये है कि मैथ्स सब्जेक्ट वुड बी कंसीडर्ड एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडीज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टेटिस्टिक इन एनी ऑफ द टू ईयर। मतलब अगर आपके पास मैथ ऑनर्स है तो आप उसमें भी फिजिक्स और इन चारों में से कोई एक, ये बाकी दो साल होने चाहिए, भले ही आपके तीसरे साल में केवल मैथ हो, मैथ ऑनर्स हो। बात समझ में आ रही? तो ये आपके क्या हो जाएंगे, जबकि अगर बीएससी ऑनर्स फिजिक्स वाले हो या बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री वाले हो, ये नॉट एलिजिबल है, इस बात को आप ध्यान देना। बाकी इसके साथ आपका 50% एग्रीगेट और 50% सब्जेक्ट में मांगता है। आपको इसके साथ क्या मांगेगा, इसके साथ आपका बीएड भी होना जरूरी है और बीएड के साथ साथ सीटेट भी पास होना जरूरी है, तब आप इसमें भर पाओगे। एज रिलैक्सेशन देख लें, बाकी सबका सेम है, ये 35 साल एज क्या होता है, अलाउ होता है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो 45 साल तक भर सकती हैं, और बाकी जो एससी एसटी ओबीसी उन सबको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। महिलाओं को 10 साल रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब कि जो जनरल जनरल महिलाएं हैं वो 45 साल तक, जो ओबीसी हैं वो 45 और 3 साल हो जाएगा, तो 48 साल तक, और ऐसे ही जो बोल सकते हो कि एससी एसटी 50 साल तक महिलाएं क्या कर सकती है, इसमें आवेदन कर सकती है। रही बात क्या, केवल आवेदन से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन होगा तो हमारा मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होता है, और मोड ऑफ सिलेक्शन भी हमें पता चल जाए तो आखिर क्या कट ऑफ जाती है, जहां पे हमें जो हमें लक्ष्य रखना चाहिए कि भाई हमें इतना तो स्कोर करना ही चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। एक बात समझिएगा, मैं आपको मोड ऑफ सिलेक्शन बता दूं, ये मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका जो एनवीएस होता है उसमें अभी तक इंटरव्यू भी होता आया है, ये हमारे इसमें इंटरव्यू इस बार हटा दिया था, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपका सीबीटी पेपर होता है, एक सीबीटी पेपर होगा, एक इंटरव्यू होगा, ये आपका ईएमआरएस की बात करो, और अगर हम लोग किसकी बात करें, सॉरी एनबीएस की बात करें, अगर हम लोग ईएमआरएस की बात करें तो इसमें केवल होता है, इसमें ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, और केवल इसमें पेपर होता है, इसमें आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। तो इसमें आपका ये दो चीज होगा, इसमें ओएमआर होगा। अभी तक एनबीएस में क्या करता है, एनबीएस में 80% मार्क्स यहां का जोड़ता है, जितना आप मार्क्स पाओगे, और 20% इंटरव्यू का जोड़ता है, इन दोनों का मिला के मेरिट बनता है। यहां पे आपका जो ओएमआर बेस्ड पे आप पाओगे 100%, इसी से आपका क्या बन जाएगा, मेरिट बन जाएगा। रही बात स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि टोटल जो आपका यहां पे क्वेश्चन होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, टोटल जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 120 क्वेश्चन होंगे, 120। वैसे आपका पेपर जो होगा वो 150 का होगा, लेकिन इस 150 में से जो 30 होंगे, ये 30 क्वेश्चन केवल क्या होंगे, 30 क्वेश्चन क्वालिफाइंग होंगे। क्वालिफाइंग मतलब ये मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपके मेरिट में, मेरिट केवल आपकी किससे बनेगी, मेरिट आपकी केवल इस 120 क्वेश्चन से बनेगी, और इस 120 क्वेश्चन में आप समझ सकते हो कि तीन पार्ट है। ये तीन पार्ट कौन सा है, मैं ए बी और सी करके बोलता हूं। ए में आपका क्या है, ए में जनरल पार्ट है, मतलब कोई बच्चा चाहे मैथ्स टीजीटी मैथ्स दे, चाहे टीजीटी हिंदी दे, चाहे टीजीटी इंग्लिश दे, चाहे सोशल साइंस, चाहे साइंस, सभी लोगों को ये जनरल पेपर देना पड़ेगा। ये 40 क्वेश्चन इसमें पूछता है, और 40 क्वेश्चन में इसमें रीजनिंग पूछता है, इसमें इसमें आपका जीए पूछता है, इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछता है, क्या पूछता है, इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछता है, और इसमें आपका पूछता है आईसीटी, इसमें पूछता है कंप्यूटर यानी कि आईसीटी। तो ये 10-10 नंबर के 40 क्वेश्चन होते हैं कुल मिला के। जो बी होता है इसे हम लोग डोमेन पार्ट बोलते हैं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है, ये आपका डोमेन है, डोमेन नॉलेज, डोमेन नॉलेज मतलब आप इसे बोल सकते हो सब्जेक्ट, मतलब कि यहां से आपके मैथ्स के 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान देना, अगर आप इसके पैटर्न पे जाओगे तो इस 80 में ईएमआरएस कहता है कि हम 65 ही पूछेंगे, हालांकि अगर सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस के हिसाब से एनबीएस में भी 65 और 15 का ही रेशियो है। जो कोर आपका सब्जेक्ट होगा मैथ से वो 65 ही क्वेश्चन है, लेकिन एनबीएस अभी तक 80 क्वेश्चन ही पूछता आया है, मतलब उसका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितना है, वो आपका 80 है मैथ्स का, जबकि ईएमआरएस में 65 मैथ्स और 15 एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है वो मैं आपको बताता हूं।
बाकी जो सी पार्ट है, सी पार्ट आपका क्या है, ये आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, ये आपका 30 क्वेश्चन पूछता है 10 10 10 करके, 10 आपका इंग्लिश पूछता है, 10 आपका हिंदी पूछता है और 10 आपका क्या पूछेगा, रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज कहने का मतलब कि अगर जैसे कोई पंजाब से है तो वो पंजाबी लैंग्वेज चूज कर सकता है, कोई बंगाल से बंगाली चूज कर सकता है, कोई असम से असमीज चूज कर सकता है। अगर आप इन किसी भी राज्यों में से नहीं हो, एक हिंदी भाषी क्षेत्र से हो जैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, और आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं दी हुई है तो आप वहां पे हिंदी ही चूज कर सकते हो। कहीं आप ऐसे क्षेत्र से हो जो इंग्लिश भाषी क्षेत्र से है जहां पे आपकी रीजनल लैंग्वेज नहीं दी हुई है तो आप उसे इंग्लिश से चूज कर सकते हो, यहां पे आप हिंदी इंग्लिश में से कोई भी रीजनल लैंग्वेज की तरफ चूज कर सकते हो। और ये केवल क्या होता है, ये केवल क्वालिफाइंग होता है, लेकिन 40% कम से कम नंबर लाना जरूरी होता है, मतलब 30 क्वेश्चन होगा तो 12 क्वेश्चन उसमें सही करना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप क्या कर दोगे, जाके बाहर कर दिए जाओगे। तो नंबर तो नहीं जुड़ेगा लेकिन 40% लाना, और प्रत्येक में 40% लाना ऐसे भी मान के चलो कि आपका क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। ये आपका जो क्या है, ये टोटल 12 नंबर लाना आपका क्या है, अनिवार्य है। तो आते हम लोग एक बार पैटर्न पे देखते हैं। मैंने बताया कि जैसे जो पार्ट ए है, मैंने इसे क्या बोला, मैंने इसे पार्ट ए बोला जो आपको समझाया, ये जो पार्ट फी है इस फाइव है इसे मैं बी बोला, और ये जो आपका क्या है, जो आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है इसे मैंने सी बोला। अगर आप पार्ट ए को देखोगे तो इसमें जनरल अवेयरनेस रीजनिंग नॉलेज एसिलिटी और एप्टीट्यूड है। इसमें आपके क्या है, इसमें आपके 80 क्वेश्चन में 65 क्वेश्चन तो आपके मैथ्स के पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपका क्या होगा, 10 क्वेश्चन आपका केस स्टडी बेस होता है। केस स्टडी बेस मतलब ये होगा मैथ्स से ही, ये होगा मैथ्स का ही क्वेश्चन, जनरल मैथ्स होगा लेकिन आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है। आप ऐसे समझो कि मैथ्स का पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बना दिया जाए कि एक लड़की है वो ऐसा काम करती है, इतने समय में इतना दूर जाती है, उसकी स्पीड ये है तो उसे कितना समय लग जाएगा पहुंचने में, ऐसे करके आपको डीआई बेस्ड क्वेश्चन बना दे तो वो 10 क्वेश्चन आपके ऐसे केस स्टडी, 2-3 क्वेश्चन, 3-3 4-4 या 5-5 क्वेश्चन करके बना देगा। और 5 क्वेश्चन आपका क्या होता है, 5 क्वेश्चन आपका एनईपी से होता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि एनईपी क्या, स्कीम क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, इनके चेयरमैन क्या है, ये कब से आया, इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें आपका एनईपी से पूछता है। तो ये आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बाकी आपके 75 क्या होते हैं, बाकी आपके 75 मैसी होते हैं। तो अगर देखा जाए एनवीएस में, तो एनवीएस में ये ना पैराग्राफ बेस पूछा, ना आपका केस स्टडी बेस पूछा, वो पूरा का पूरा मैथ्स ही पूछा, क्या 80 क्वेश्चन में, और 80 क्वेश्चन कहां से पूछा, उसका जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस आपका मैं आगे आपको बता रहा हूं कि उसका सिलेबस क्या है, यहां से आपका पूछा है, ठीक है। यहां पर रही बात, तो यहां पर खेलो इंडिया आप देख रहे होंगे, लेकिन ये केवल जो टीजीटी पेट वाले होते हैं, फिजिकल एजुकेशन केवल उनसे पूछता है, तो आप इसके लिए परेशान मत होना, यहाँ पे आपसे केवल 5 क्वेश्चन मैथ पूछेगा जैसा कि मैंने बताया। अब रही बात की सबसे बड़ी बात, अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो कितना नंबर लाना आवश्यक है। ईएमआरएस के मैथ्स का टीजीटी मैथ्स का कट ऑफ देखोगे तो ये टीजीटी मैथ्स है, और टीजीटी मैथ्स में आप देखोगे तो जनरल का कट ऑफ कितना गया, 81, EWS का 75, OBC का 74, अगर आप SC का देखोगे 64, ST का देखा 57, ऐसे OH का देखोगे 58, और V यहाँ बाकी हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो इस प्रकार से आपको ये कट ऑफ देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें TGT मैथ्स में तो 81 नंबर कितने में जा रहा है, 120 नंबर में जा रहा है। ऐसे अगर हम लोग NVS में बात करें तो 75 नंबर जा रहा है किसमें, 75 नंबर जा रहा है आपका NVS में। मतलब अगर EMRS की बात किया जाए, EMRS की बात किया जाए तो EMRS में पिछली बार 81 नंबर गया था, और NVS 2022 में हुआ था, इसमें गया था 75। पेपर पैटर्न अगर सेम रह जाए और सेम टाइम पे पेपर हो जाए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा इसमें, बहुत अगर घटेगा बढ़ेगा, पेपर पैटर्न सेम है तो मान के चलो थोड़ा बढ़ेगा ही। मैं इसे 81 से बोल देता हूं कि 83 के आसपास जाएगा, और 75 से बोल देता हूं ये 77 के आसपास जाएगा। मैं कह रहा हूं किसी दशा में बहुत बढ़ जाएगा तो कट ऑफ आपका कितना जाएगा, आपका कट ऑफ 80 से 85 के बीच में जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका सेफ स्कोर आज से आपको मान के चल रहे हैं। लेकिन रही बात कि आखिर हमें इतना ही 80-85 नंबर लेके आना है तो फ्री में तो आ नहीं जाएगा, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और अब आती है बात कि हम ये 80-85 नंबर लाएंगे कहां से, ये बात समझ में हमें आनी चाहिए। तो उस 80-85 नंबर लाने के लिए आप अपने एक बार सिलेबस पे आओ। सिलेबस में आपका जो सिलेबस, अगर आप देखोगे जनरल अवेयरनेस में ज्यादा आपका करंट ही पूछता है, हालांकि वो जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब कुछ दिया रखा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, यहाँ पे अगर एनबीएस की बात किया जाए तो करंट और स्टैटिक जीके से ज्यादा पूछता है। ईएमआरएस में थोड़ी बहुत आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के क्वेश्चन देखने को मिले थे, बट ये आपका उत्तर रेलिवेंट नहीं है। मैं आपको बताता हूं अभी करंट पे जीके वाले पोर्शन पे फोकस नहीं करना। अगर आपको 85 नंबर लेके आना है तो 85 नंबर लाने, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट हो तो आपकी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपका आईसीटी भी कंप्यूटर भी ठीक ठाक होना चाहिए, और मैं कह रहा हूं नहीं फुल में फुल तो आप एक बेसिक नंबर लेके आओगे। बाकी ये आपका क्या है, ये सिलेबस है, और इस सिलेबस में मैंने आपका पूरा
ट्रेंड एनालिसिस लेके आया हूं कि किस साल से कितने प्रश्न किस टॉपिक से पूछे गए हैं और इसके आधार पे हमारी तैयारी होनी चाहिए। एनवीएस 2022 में शिफ्ट 1 28 नवंबर, एनवीएस का 2022 का पेपर 29 नवंबर का शिफ्ट 1 और ईएमआरएस 2023 का पेपर, इन तीनों पेपर को एक डीप एनालिसिस किया जाए तो हमें दिखाई देता है कि जो आपका पहला यूनिट है रियल नंबर, रियल नंबर से 7 क्वेश्चन यहां पे, 5 क्वेश्चन यहां पे और 4 क्वेश्चन यहां पे। ऐसे अगर आप एक बार यहां पे क्विकली देख लोगे तो यहां पे एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका यही, ये दोनों जो है इसे सिंगल चैप्टर ही आप कंसीडर करके चलो। यहां से आपका 12 से 13 क्वेश्चन यहां पे आता है, मतलब आप ऐसे समझो कि ये चैप्टर, ये पार्ट आपको मैं ही पढ़ा रहा हूंगा और मैं आपको इसे 10 से 15 क्लास में पढ़ाऊंगा, और अगर वो 10 से 15 क्लास आप कर लेते हो इवन उसमें प्रैक्टिस वैक्टिस सब कुछ, तो आप इसमें 12 से 13 क्वेश्चन कंफर्म करके आओगे और आप साथ में कहीं एक एक करके जोड़ते हुए चलना, जो मैं आपको यहां पे जोड़ता हुआ चल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आप छोड़ो, आप नंबर सिस्टम, उसमें जो भी लिखा हुआ है सिलेबस में, मैं आपको इसे नंबर सिस्टम बोल रहा हूं और नंबर सिस्टम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आप यहां पे कर लोगे मात्र कितने क्लास में, मात्र आप 15 क्लास मैक्सिमम से। अभी फिर मैं आपको बताऊं कि आपको अगर 85 नंबर पहुंचना है मैक्सिमम तो आप फिर जो तैयारी करो वो सबसे ज्यादा फोकस करो आप पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स पढ़ोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी में होता है, वो अलग कोई चीज नहीं होती है और ग्राफ भी उसी में होता है, ये पूरा पार्ट आपका क्या होता है सेम होता है। मतलब अगर इस टॉपिक को देखो तो 3, 4, 4, 8, 8, 3, 11, 11 और 5 क्या हो जाएगा 16, 16 क्वेश्चन यहाँ पे और लगभग 18 क्वेश्चन यहाँ पे, लगभग 16 से 18 क्वेश्चन आपके किससे होते हैं, केवल पॉलिनोमियल से होते हैं, केवल किससे, पॉलिनोमियल जो होंगे इससे आपके, इसी में मैं क्वाड्रेटिक मान के चलता हूं, ठीक है, इसी में आपका क्वाड्रेटिक ले लो और इसी में आपका क्या है, इसी में आपका लीनियर इक्वेशन ले लो, चाहे टू वेरिएबल चाहे लीनियर इक्वेशन इसी में ले लो, ठीक है, टू वेरिएबल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दोनों, ये सारे ही मिला के लगभग 16 से 20 क्वेश्चन होंगे और अगर आप केवल इन दो चैप्टर को जोड़ लो तो आप ये इस नतीजे पे पहुंचोगे कि लगभग आपके 30 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जा रहे हैं। मतलब कि अगर और 15 घंटे यहां पे और लगभग 10 घंटे यहां पे, 25 घंटे की अगर आप पढ़ाई कर लोगे अच्छे से तो आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, आपके 30 क्वेश्चन आप यहीं पे हो गए, कट ऑफ आपका जाता है 85, केवल आपका कितना है 55 नंबर आपको और चाहिए अभी भी सिलेक्शन के लिए, इस बात को ध्यान देना। और ये वो चैप्टर है जहां से आपके 100% क्वेश्चन सही होते हैं, इस बात को ध्यान देना। वैसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बस यही चैप्टर पढ़ो, मैं तो ये बोलूंगा आप पूरा पढ़ो, बट इन चैप्टर को आप छोड़ो मत, इन चैप्टर में आप एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करो, इतनी शिद्दत से पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। इसके बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है वो है प्रोबेबिलिटी। एनवीएस को देखो तो एक बार 10 पूछा, एक बार 4, और ईएमआरएस भी इस पे 65 में से 6 क्वेश्चन पूछता है, मतलब 10% वेटेज आपका प्रोबेबिलिटी का होता है। अगर ये चैप्टर आप पढ़ लिए, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ लिए, तो आपको 10 क्वेश्चन का फायदा कहां पे हो जाएगा, 10 क्वेश्चन का फायदा केवल एक चैप्टर और ऐड करने से हो जाएगा। सिंगल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, है ना, इसमें चार डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ देखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा इससे अगर आप 10 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 40 क्वेश्चन आप यहां पे पहुंच गए। अब आपको चाहिए 45 क्वेश्चन और वो 45 क्वेश्चन आप कहां से कहां से करोगे उसे मैं बताता हूं। उस 45 क्वेश्चन को करने के लिए अब आ जाओ आप ज्योमेट्री पार्ट पे। आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री यहां पे लिखता है, ऐसा लगता है बहुत भारी भरकम ज्योमेट्री है, बट एनवीएस चाहे ईएमआरएस बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन यहां पे पूछता है, वही टेंजेंट पे क्वेश्चन पूछता है, सर्कल पे क्वेश्चन पूछता है, क्वाड्रिलेटरल पे क्वेश्चन पूछता है, लाइन और एंगल पे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन यहां पे बिल्कुल सिंपल सा पूछा जाता है, सिलेबस इसका बहुत भारी भरकम लिखा है इसलिए मैं आपको यहां पर सिलेबस नहीं दिखा रहा हूं, सिलेबस अलग से कभी डिस्कस करा दूंगा। क्वाड्रेट ज्योमेट्री यहां पे लिखा है, बहुत सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला वगैरह पूछता है, तो यहां पे भी इसको देखो और एरिया और वॉल्यूम से भी वेटेज आपका ज्यादा है, मतलब ऑन एवरेज देखें तो यहां पे भी 13 से 15 क्वेश्चन, 6, 6, 12, 12, 5 देखो 17 क्वेश्चन यहीं पे पूछा हुआ है और 4, 4, 8, 5, 13, तो मतलब आप बोल सकते हो कि ऑन एवरेज 15 से 18 क्वेश्चन केवल अगर आप ज्योमेट्री पोर्शन पढ़ लोगे तो यहां पे कवर हो जाएगा। मतलब एक पोर्शन अगर आप यहां पे और ऐड कर लो, क्या कर लो, एक पोर्शन ज्योमेट्री ऐड कर लेते हो तो लगभग 15 क्वेश्चन आपका और ऐड हो जाएगा और ये जो 15 क्वेश्चन होगा इसे आपको टोटल 55 क्वेश्चन पे पहुंचा देगा। अब बचता है 30 क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं मैथ्स में एक भी मत पढ़ो, मैथ्स में अब एक भी टॉपिक मत पढ़ो और आप केवल क्या कर लो, आप केवल 10 क्वेश्चन रीजनिंग से कर लो, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से कर लो, तो 20 आपको यहां से मिल जाएगा और अगर 20 यहां से मिल गया तो आप कितने पहुंच गए, आप पहुंच गए 75 क्वेश्चन। अब रही बात 10 क्वेश्चन की,
तो 10 क्वेश्चन क्या आप इतने सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं और इतने सारे यहाँ पे पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस, पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ पे पूरा एनईपी पढ़ा हुआ है अगर एमआरएस की बात किया जाए, और यहाँ पे कुछ चैप्टर जहां पे आप डेफिनेट नंबर आ जाते हैं, जैसे आपका क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन आसान आ जाते हैं, जैसे अगर बात किया जाए मैट्रिसेस के क्वेश्चन आसान होते हैं, डायरेक्ट लग जाते हैं, एलिमिनेशन मेथड से लग जाता है, ऑप्शन देखते ही लग जाता है, जैसे कैलकुलेशन के क्वेश्चन तुरंत ही लग जाते हैं बिना आपको दिमाग लगाए, तो आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है और आप क्या कर लोगे आपस में सिलेक्शन ले लोगे। तो टीजीटी मैथ्स देखा जाए कम कंपटीशन वाला एक बेहतरीन आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप सही तरीके से शिद्दत से मेहनत कर ले तो आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा, और यही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जो मैं आपको जो चैप्टर बता रहा हूं इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको स्कोर कर लेना है। अब रही बात की जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपका आएगा कैसे, पढ़ो कैसे, किताबें कौन सी होनी चाहिए, क्या कोचिंग करें या ना करें। देखो मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर आप लोग पहले से कहीं जुड़े हो, तैयारी कर रहे हो, तो फिर ठीक है आप तैयारी वहीं करते रहो। मैं आपको इतना बोलूंगा कि टीम परीक्षा प्लस उन बच्चों के लिए, जैसे अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो या आपको लगता है कि नहीं मेरे पास समय कम है और मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो मैं आपको वादा दिलाता हूं कि टीम परीक्षा प्लस आपको इसमें बहुत बेहतरीन तैयारी करा के आपका सिलेक्शन भी करवाएगी। रही बात किताबों की, तो टीम परीक्षा प्लस ने एक बहुत बेहतरीन किताब आपके टीजीटी मैथ्स के लिए स्पेशली लेके आया है। मैं पूरा कंटेंट आपको दिखा देता हूं, क्योंकि जब तक आप कंटेंट देखते नहीं हो तब तक आपको विश्वास नहीं होता। ये देखो मैं कुछ चैप्टर आपको केवल दिखाऊंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही रहेंगे, जो चैप्टर इंग्लिश वाले होंगे उसमें इंग्लिश में ही रखने का प्रयास किया हूं, जो हिंदी वाले उन्हें हिंदी में रखने का प्रयास किया हूं। ऐसा कॉन्टिन्यूटी में देखोगे पूरा में एक थ्योरेटिकल चैप्टर, पूरा थ्योरी के साथ साथ आप इसमें क्वेश्चन ग्राफ वगैरह की मदद से पूरा इसमें आप क्वेश्चन भी और किताब ये दोनों ही पा जाओगे। ये किताब आपको पूरा जो आपकी क्या है शॉर्ट ट्रिक है, जो आपके फंक्शन है, वो सब कुछ आपका केवल आप ये टेबल सही या पे फंक्शन से क्वेश्चन पूछता है कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, इंटरवल क्या होगा, वो आप डायरेक्ट ही देख के आप क्या कर सकते हो आंसर सीधा टिक करके चले जाओगे अगर आप केवल इसे देख लेते हो। तो ये किताबें हैं जो आपको उपलब्ध कराई जा रही है इस पूरे कोर्स में। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे चैप्टर आप ये मैं कैलकुलस का दिखा रहा था, बोले तो मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दिखा दूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको ऐसे ही हिंदी ये आपका रियल पार्ट है ना, रियल नंबर वाला पार्ट है। इसमें जो पूरा इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर सब कुछ बताया गया, कितना बेहतरीन तरीके से आपको ग्राफ चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि क्या परिमेय संख्या होती है, क्या परिमेय संख्या होती है, कैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग में बदलते हैं, ये सब कुछ ग्राफ और चार्ट के माध्यम से इसे पूरा हिंदी इंग्लिश में इस किताब को आपको बताया गया है। और इसमें आप सब कुछ, चाहे वो डिविजिबिलिटी वाला नियम हो, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछता है डिविजिबिलिटी में इसका इकाई अंक क्या होगा, पिछली बार भी पूछा गया था, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ऐसे प्रकार के प्रश्न आपको सब इस पूरे किताब में मिल जाएंगे। और साथ में तो आपको जब मैं पढ़ा रहूंगा तो आपको ये सारी चीजें तो कवर करा ही रहूंगा। तो रही बात आपकी तैयारी कहां से करनी है, सिलेक्शन कहां से लेना है, मैं आपको एक बात बोलूंगा भाई, देखो आपके पास दो तरीके, या तो आप भटक इधर उधर भटक के और अपना मैक्सिमम समय जाया कर दो, या फिर आप ये समझ लो कि हाँ बहुत बेहतरीन जगह पे आप पहुंच गए हो और अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तैयारी अपनी शुरुआत कर देना। और ये तैयारी मात्र आपको 1999 में 60% ऑफ के साथ स्टार्ट करनी है, जहां पे अन्य संस्थाएं टीजीटी मैथ्स के लिए 6,000, 7,000, 10,000 और इवन ऑफलाइन क्लासेस में 15,000 रुपए लेते हैं, मात्र 1999 में आपको टीम परीक्षा प्लस ये पूरा उपलब्ध करवा रही है। और एक बात समझिएगा, पूरी मैथ्स आपको मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खुद बेटे हूं मैथ्स से, और बहुत बोल सकते हो कि एक जो फेवरेट मेरा सब्जेक्ट रहा है हमेशा मैथ्स पढ़ाने का, वो आपको रुचि देखने को मिलेगी। मैं आपको डेमो भी कर दूंगा, बिना डेमो देखे तो आप बिना आप कोर्स लीजिएगा नहीं, जब तक आपको विश्वास ना हो जाए इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ताकि मैं हमेशा मेरा प्रयास ये रहता है कि जो भी बच्चा हमसे जुड़े उसे ये पूरा विश्वास हो जाए कि नहीं सर बिल्कुल बहुत बढ़िया पढ़ा के कवर करवा लेंगे, तभी मैं इनसे जुड़ूंगा। लेकिन एक बात की मैं गारंटी देता हूं, आप पूरा यूट्यूब छान डालिएगा, आप किसी भी संस्था से जुड़ जाइएगा, अगर टीजीटी मैथ्स का सिलेबस कोई मुझसे बेहतर कवर करवा देगा तो यकीनन आप जो बोलोगे वैसा मैं कर दूंगा। सही बता रहा हूं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है जो मैं पढ़ के आया हूं। मैं चाहे अपने आईआईटीज की तैयारी किया हूं, चाहे मैं ट्रिपलईज की तैयारी किया हूं, मैं एनआईटी में गया हूं, और मैं हर जगह से जो भी सीख के आया हूं वो सारी चीजें मैं बच्चों को पिरो देना चाहता हूं, वो पढ़ाना चाहता हूं, उस स्किल से पढ़ाना चाहता हूं। और ये पूरा सिलेबस कवर करने के लिए आपके पास दो फैकल्टीज होंगे, एक तो मैं खुद हूंगा, मेरा नाम आपको पता ही होगा आलोक शुक्ला, एक तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। शुरुआत के जो पार्ट होंगे जैसे रियल नंबर्स वाला पार्ट हो गया, आपका पॉलीनोमियल्स का पार्ट हो गया, आपका एलजेब्रा का पार्ट हो गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया, इंडक्शन वगैरह मेथड हो गया, ये सारी चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा। बाकी जो हाफ पार्ट है जैसे कि आपका ज्योमेट्री पार्ट हो गया, स्टेटिस्टिक पार्ट हो गया, प्रोबेबिलिटी पार्ट हो गया, कैलकुलस पार्ट हो गया, ये सारे पार्ट आपको पढ़ाएंगे महबूब सर। तो ये दो एमके सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, ये आपके एक मैं पढ़ाऊंगा, एक आपके एमके सर पढ़ाएंगे, और ये हम दोनों ही मिलके लगभग आपका 50-50% सिलेबस आपका क्या करेंगे, कवर करेंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका
आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर करवाएंगे। कोई बच्चा अगर अन्य कोर्सेज से जुड़ना चाहता है, टीजीटी का चाहे एसएसटी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, तो वो उससे भी जुड़ सकता है, बाकी मैथ्स का। अब रही बात की हम कहां से जुड़े और इसमें क्या मिलाया जा रहा है, तब इसमें बेटा अब देखो सारे के सारे लाइव क्लासेस में दिए जा रहे हैं, लाइव क्लासेस के साथ साथ उन्हीं की रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको दी जाएंगी। ये लगभग मान के चलिए कि आपके पास टोटल 17 टॉपिक हैं और 17 टॉपिक पे इस टॉपिक पे लगभग 10 क्लास होंगे, लगभग 200 घंटे की क्लास होंगी जिसमें लगभग 100 घंटे की क्लास मैं लूंगा, 100 घंटे की क्लास लगभग एम के सर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरी बुकलेट नोट्स दिया जाएगा जिसका मैं आपने डेमो दिखाया, ये पूरा नोट्स आपको कंपाइल्ड फॉर्म में पीडीएफ फॉर्म में दे दिया जाएगा, आप इसको प्रिंट कराओ, प्रिंट करा के स्पाइरल कराओ और बढ़िया मोटी सी किताब आपकी तैयार हो जाएगी और आप उसे पढ़ो और प्रैक्टिस करते रहो, आपको प्रैक्टिस भी करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। हालांकि प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई भी किताब ले आइए, तमाम टीजीटी पीजीटी की, जैसे आप चाहे यूथ की ले लीजिए, चाहे आप घटना चक्र की ले लीजिए, तो वहां से तमाम क्वेश्चन अलग अलग संस्थाओं के मिल जाते हैं, अलग अलग एग्जाम के, वहां से आप प्रैक्टिस करिए। उससे अच्छा प्रैक्टिस का कोई प्रीवियस ईयर से कोई अच्छी किताब ही नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। तो बुकलेट नोट्स, बाकी आपके समय समय पे टॉपिक टेस्ट दिया जाएगा और वैलिडिटी आपका क्या होगा, टिल एग्जाम तक होगा, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक आपकी ये वैलिडिटी रहेगी। तो 5000 का कोर्स आप मात्र 1999, ये आपका रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है, आपका जो बैच है वो हम प्रयास कर रहे हैं 27 मई से, और नहीं 27 मई से तो 1 जून से आपका बैच प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा नए मंथ से, बट हमारा प्रयास है 27 मई से स्टार्ट हो जाए। रजिस्ट्रेशन इसका प्रारंभ कर दिया गया है, आप इसे जुड़ सकते हो और मैं आपसे वादा करता हूं, आपको आश्वासन दिलाता हूं कि अगर आप इस बैच से जुड़ते हो तो आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी। कई बार आपके प्रश्न रहते हैं कि सर क्या इतना ही पढ़ लेने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल, मात्र आपको इतना ही पढ़ना है और बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये टीजीटी है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछता, बस आप ध्यान रखना ईएमआरएस में जो 15 क्वेश्चन है अलग से पूछता है और एनवीएस में 80 का 80 पूछता है, फिर भी पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है और हम लोग उन सारे पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे जो आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है और जैसा आपका प्रीवियस पूछता है। तो डीप एनालिसिस के साथ कि किस प्रकार से आपका सिलेबस कवर कराना है, किस प्रकार से आपकी तैयारी करानी है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, वो सब कुछ आपको यहां पे बहुत बेहतर तरीके से बताया जाएगा। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका एक भी अंश आपका समय का नहीं बर्बाद होगा और हर वो मेहनत पूरी टीम कर डालेगी जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर आप इससे जुड़ते हो तो आपको भी वादा करना पड़ेगा, नहीं सर आप जितना मेहनत करने को बोलेंगे उतना मैं करूंगा, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, इसमें केवल मेरे मेहनत से काम नहीं होगा। वनडे का एग्जाम होता है मैं बिल्कुल रटा देता बेटा यही पढ़ो यही आएगा, टीजीटी पीजीटी में आपको खुद से जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तब तक वहां पे उत्तर नहीं कर पाओगे। ये बेसिक मैथ नहीं है, ये एडवांस मैथ है, यही आपको आगे चल के पढ़ाना भी पड़ेगा। तो आप केवल सिलेक्शन के लिए तो पढ़ो ही है ना, साथ में इसलिए भी पढ़ो कि जब आप वहां पे पढ़ाने जाओगे तो आपको डेप्थ नॉलेज होगी, डीप नॉलेज होगी और बच्चों को ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा पाओगे। मैंने अपने आईआईटी की तैयारी के दरमियान, अपने बीटेक के दरमियान हर जगह जो नॉलेज गेन किया है वही नॉलेज आप भी गेन करोगे और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आप भी पाओगे और वही एक्सपीरियंस आप तमाम बच्चों को भी एनवीएस ईएमआरएस और तमाम संस्थाओं में जब चयनित होगे तब जाके आप उनको भी अपना एक्सपीरियंस साझा करोगे। तो चलिए इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करूंगा। कोर्स से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, परीक्षा प्लस ऐप की, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो परीक्षा प्लस ऐप आपको मिलेगा और वो परीक्षा प्लस ऐप आप क्या कर सकते हैं, ये परीक्षा प्लस ऐप है, इस परीक्षा प्लस में आप पेड कोर्सेज में जाएंगे तो आपको टीजीटी मैथ्स का कोर्स दिखेगा, नहीं होगा तो आप सर्च बार में सर्च कर लीजिएगा टीजीटी मैथ्स और वहां पे आपको एनवीएस ईएमआरएस के टीजीटी मैथ्स 1999 मिल जाएगा। 27 तारीख के बाद से इसकी फीस बढ़ जाएगी और 5000 कर दी जाएगी, फिर हम वहां पे आपको कोई छूट नहीं दे पाएंगे। तो चलिए अभी इस सेशन में बस इतना ही, उम्मीद है कि आप लोग कोर्स से अवश्य जुड़ोगे और फिर हम लोग अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएंगे। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।